इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। ब्रेक से वापसी पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हरसिमरत, अगला सवाल मोहम्मद तलाल का है, सऊदी अरब से। लिखते हैं कि कल पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक दिन आ रहा है, सकूते ढाका। आप इस मौके पर क्या कहेंगे? यार, एक तो मुझे सकूते ढाका के लफ्ज से चिढ़ा है। अल्लाह मेरे ढाका को सलामत रखे। ये ऐसे ही है जैसे दो भाई अलहदा हो जाते हैं तो नॉर्मल बात है, लड़ाई झगड़े से अलहदा हो तो वो जरा तकलीफ की बात है, अदरवाइज नॉर्मल हमारी जिंदगी में होता नहीं। और एक और बात, ये बहुत सतही किस्म की सोच के लोग हैं जो कहते हैं विलन कौन था, शेख मुजीब था, याह्या खान था, भुट्टो था। ओ भाई, मुल्क किसी 16 साला दोशीजा का दिल नहीं होता जो इतने आराम से टूट जाए। उसकी एक तारीख होती है, उसकी गहराई में जाके देखना होता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता, इन तीन कैरेक्टर्स की जगह भुट्टो साहब, मुजीब साहब और याह्या खान साहब, इनकी जगह कोई और होता तो मुमकिन है ये बात 6 महीने आगे चली जाती। ये टूटना था, वजह पूछो बल्कि वजूहात पूछो जी। बहुत बड़े हमारे इंटेलेक्चुअल और बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे कुदरतुल्लाह शहाब, उनकी किताब है शहाबनामा। 50s में अमेरिकन्स ने खैरात दी हस्बे मामूली, सैनिटरी का सामान था, तो चंद कैबिनेट मीटिंग में चंद बंगाली वजीरों ने कहा कि इसमें से हमें भी कुछ दे दो। तो वो जो मगरबी पाकिस्तान के मच्छंदर थे, बड़ी बड़ी मूछों और बड़े बड़े पेटों वाले, शेरवानियां पहन के बैठे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और कहा तुम्हें बैतुल खलम, तुम्हें कमोड वगैरह की क्या जरूरत है, तुम तो केलों के झुंड, वहां गाछ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, केलों के झुंड के पीछे बैठ के वही तुम्हारा बाथरूम। ये रवैया था। फिर कहानी एक बंगाली राइटर की, जो बंगाली में बंगला जुबान में वो क्या है, तो आया, उसने पाकिस्तान देखा, बड़ा खुश हुआ, इस्लामाबाद इमर्ज कर रहा था, बिल्ड हो रहा था, तो उसने खुश होके सजदा अल्लाह पाक को किया कि बड़ा खुशहाल है। तो कहता है मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आई। वो ये टूटा जब ये उससे बहुत पहले टूट चुका था। ठीक, फिर एक अगली बात, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने उस जमाने में कहा था कि ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदान की तरह है, शेख मुजीब इस पे मंडलाती भी मक्खी की तरह है, यानी मसला कोई नहीं, ये उसको हथौड़े से मारना चाह रहे हैं, मक्खी निकल जाएगी, गुलदान टूट जाएगा। अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारी रूलिंग एलीट के एटीट्यूड और बिहेवियर का, उस एरोगेंस का, उस बदतमीजी का, उस बददिमागी का, वो जिम्मेदार है, कोई बंदे जिम्मेदार नहीं। ये याद रखना, ये जिम्मेदारी बंदों पे डाल के असल वारदातीय जो है वो बीच में से निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि शराब तो अलेक्जेंडर भी पीता था, उसने पूरी दुनिया पता की, बाबर भी पीता था, ये कौन सा काम है। सफी जो था, इस्माइल सफी, वो अपने दुश्मन शिबानी खान की खोपड़ी के ऊपर सोना चढ़ा के उसका प्याला बना के उसमें पीता था, ये क्या बात हुई। अपने रवैये देखो। और एक और बात मैं बताऊं, 67-68 में जब हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में गए अंडर ग्रेजुएट के तौर पे थर्ड ईयर में, तो कोटे के तहत 1/3 बंगालीज थे। हमने 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनको शूदर बना दिया। मैं उनमें शामिल हूं खुद, बच्चे थे हम लोग, वजह हमारा उनका मिलता ही कुछ नहीं था। वो खाना ऐसे खाते थे कि देख के अल्लाह माफ करे अजीब सा लगता था, गुलासा बना के चावलों का, यहां तक शोरबा जा रहा है मछली का, उनके कमरों से खास तरह की स्मेल आती थी। रात को वो धोतियां पहन के, तस्वर करो, चार खाने वाली गोल धोती पहन के फिरते थे। हमें भी उतने ही पैसे मिलते थे घर से जितने उनको, हम 20 तारीख के बाद उधार पे, वो कभी एक टका ना लेते ना देते, ना कभी किसी को सिगरेट तक ऑफर करते थे। कल्चरली वी वर डिफरेंट पीपल, जबान ही नहीं, रहन सहन, खाना पीना, बूदोबाश मुख्तलिफ था, ऊपर से एक्सपोर्टेशन, वो फिर दुश्मन उसका फायदा उठाता है। इसको समझना हो तो बहुत जबरदस्त किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूं, इत्तेफाक से मैं जानता भी हूं उनको, शरीफुल हक दालियम, पाक फौज में थे वो मेजर,
जब वो फरार हुए और उन्होंने जाके मुक्ति बानी खड़ी की। उनकी किताब का नाम है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी। और वो कौन है, उनको वहां निशाने हैदर मिला, जिसको बंगाली में कहते हैं वीर उत्तम, यानी इंतहाई दलेर आदमी। वो सफीर भी रहे हैं बांग्लादेश के। उनकी किताब पढ़ लो, बहुत सारे मामलात की समझ आ जाएगी। एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। हालांकि हसन साहब, इस्लाम की कदरें तो मुश्तरक थी। देखें, इस्लाम की कदरें ये एक रोमांटिक सी बात है, इसका नेशन स्टेट इसका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं है। बनू उमैया ने, बनू अब्बास ने बनू उमैया को मारा, उन कब्रें खोद के उनके मुर्दे निकाल के लटकाए। जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा, अमीर तैमूर ने बायजीद यलद्रम को मारा। कल की बात है ईरान इराक वॉर, क्यों लड़ी गई, इतने साल कितना मुसलमान मरा, क्यों लड़ी गई, क्यों बंद हुई, मुझे आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, इतना अगर ये है एक बॉन्ड, तो भाई इधर अफगानिस्तान है, ब्रदर इस्लामी, इन दोनों मुल्क क्यों नहीं हो जाते, उसके साथ ईरान है और बड़े हो जाओगे, आगे फिर सेंट्रल एशिया है, वो सारे मुसलमान है, एक इस तरह नहीं है जिंदगी। यूएई को साथ में ला लो, पूरा यूएई क्यों नहीं एक हो जाते, वजह इस तरह नहीं है। एक फैक्टर जरूर है, ये 1500 साल पहले की जिंदगी नहीं है, इसमें इस्लाम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, लेकिन देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। वो सगे भाई लड़ पड़ते हैं भाई, कत्लो गारत शुरू हो जाती है एक खानदान में, जो बरसा बरस खत्म होने में नहीं आती। सो बांग्लादेश के मसले को ओवर सिंप्लीफाई करना, और सुकूत ढाका क्या हुआ, नहीं बनी भाई दो भाइयों की। मुझे उसमें दुख है कि वो एक दूसरे की गर्दने काट के अलहदा हुए, एमिकेबली हो जाते हैं, मेरा आपका नहीं गुजारा होता, बहन भाई है, हमारी नहीं बनती आपस में, हमारे क्लैशेज हैं, डिफरेंसेस हैं, अलहदा हो जाओ, आइडियल है इकट्ठे रहो, लेकिन अगर ये अचीवेबल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो होता है खत्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपको पता है ये हसन निसार का पुराना वीडियो है, करंट का वीडियो नहीं है। करंट का वीडियो जैसे ही आता है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, हसन निसार ने किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज किया और पाकिस्तान की गलतियों की वजह से बांग्लादेश बना, ये भी उन्होंने इस वीडियो में समझा दिया। आपको बताना चाहूँगा, 1971 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश थे, इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1905 में, वो बांग्लादेश में ही हुई थी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो मेजॉरिटी, मतलब बहुसंख्यक लोग बांग्लादेशी थे, वो अलग हुए, और उसके बाद भी जो अल्पसंख्यक था वो देश बचा, उसका नाम पाकिस्तान था। तो दोस्तों, उस समय इंडियन आर्मी ने मुक्ति वाहिनी की मदद की थी, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी जो ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम कर रही थी उसने सरेंडर किया, और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। आपको पता होगा उस टाइम पर इंडियन आर्मी ने वेस्ट पाकिस्तान, मतलब जो करंट पाकिस्तान का मैप है, वहां पर भी धमाल मचा दिया था, कराची और यहां पर पंजाब और कई इलाकों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर उनके एरिया कैप्चर किए थे और पाकिस्तान की आर्मी को ज़बरदस्त तरीके से धूल चटाई थी। लेकिन उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश क्रिएट करके हिस्ट्री तो बना दी, लेकिन उस टाइम पे चाहते तो भारत बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकता था। उस समय पाकिस्तान की स्थिति इतनी ख़राब थी, आपको याद होगा कि उस समय हमारे पास पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक जो थे, उनके बदले में हम उनसे कहते कि POK खाली करें आप, नहीं तो हम आपके सैनिक नहीं देंगे। और जो पाकिस्तान का इलाका हमने कब्जा किया था, आपको याद होगा कि उस समय वेस्ट पाकिस्तान का इंडियन आर्मी ने बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया था, यहां तक इंडियन नेवी ने कराची को पूरी तरह पोर्ट को बर्बाद कर दिया था, तो भी हमें उससे कुछ नहीं मिला। हम चाहते तो उस समय पाकिस्तान का जो स्त्रप का एरिया था, उस जितना हमने जीता था उसे हम ना छोड़ते, लेकिन उसे भी हमने आसानी से छोड़ दिया। तो पॉलिटिकल रूप से ये हमारा बड़े गलत कदम थे, हमने बांग्लादेश बनाया लेकिन वो हमारा हिस्सा नहीं था, हम चाहते तो हमारी जीती हुई ज़मीन थी, वहाँ हम तिरंगा फहरा देते, लेकिन हमने वहाँ तिरंगा नहीं फहराया। चलिए, वो अच्छी बात है, बांग्लादेशियों का उसमें खून बहा, बंगालियों के लिए देश बना, लेकिन यहाँ पर जो हमने ज़मीन कैप्चर की थी उसे हमें वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर हमें POK आज मिल जाता तो ये हमारे जो इतने लंबे समय से हमारा इतना टेंशन चल रहा है, जो POK से आतंकी कैंप बनते हैं, हमें POK मिलता तो हमें सीधा सीधा सेंट्रल एशिया का रास्ता मिल जाता। आपको पता है POK से हमारी अफगानिस्तान की बॉर्डर मिलती है, जो 70 से 80 किलोमीटर की बॉर्डर है। अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा, जो सबसे ऊपर का है, जो अभी हमारे हिस्से में नहीं है, उसे हम क्लेम करते हैं, वो बॉर्डर हमें मिल जाती है और हमें सेंट्रल एशिया तक का जाने का रास्ता मिल जाता, जिस जो अभी बहुत महंगा रूट है। हमने चाबहार बनाया, ईरान से हम अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान से हम सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं। और आपको पता होगा, अगर हमें अफगानिस्तान
पाकिस्तान बॉर्डर मिल जाती तो हमारे अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे संबंध है कि आप समझ भी नहीं सकते। सबसे अगर टॉप फाइव इंडिया के फ्रेंडली नेशन है तो उसमें से अफगानिस्तान टॉप फाइव में आता है, आपको पता होगा। तो हमें वो बॉर्डर का अगर रास्ता मिल जाता तो हमारा इतना अच्छा व्यापार चलता, लेकिन उस टाइम पर इंदिरा गांधी की एक गलती थी कि हमें 93,000 सैनिकों की जगह कुछ ना कुछ करके हमें पीओके से या तो रास्ता ही ले लेते या गिलगित बाल्टिस्तान ले लेते, कुछ ना कुछ तो करते। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी भारत की गलती हुई। भारत ने उस टाइम पे चाहते तो हम जो सिखों का जो पवित्र स्थान है, जो गुरु नानक देव जी की जहाँ पर गुरुद्वारा है, गुरु नानक साहब है, वो उसे हम मांग लेते। आपको भी पता है कि इसके लिए सिखों को वीज़ा लेना पड़ता है, कितनी बड़ी समस्या है। करतारपुर ले लेते जो 4 किलोमीटर दूर है इंडियन बॉर्डर से, उसे ले लेते। मतलब ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब गलतियां हो गई हैं, समय बीत गया है, पानी नदी से बह गया है। अब हम पुरानी बातों में केवल बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने बांग्लादेश बनाया, आपको पता है बांग्लादेश बनाने के में भारत का बड़ा हाथ है। लेकिन आजकल के जो बंगाली, मतलब बांग्लादेश के बंगाली हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, उसमें भी वो लोग भारत को गालियाँ देते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भारत ने बनाया, लेकिन भारत का कुछ भी वो मतलब कुछ भी मतलब समझते नहीं है। और कश्मीर के लिए वो प्रदर्शन करते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कश्मीर के लिए बांग्लादेश में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं कि आप समझ नहीं सकते। आपने विजुअल देखे होंगे कुछ दिनों पहले, तो आप समझ सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो लोग वही करेंगे जो मतलब आप समझ सकते हैं कट्टरपंथी कहते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को करते हैं खत्म। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हसन निसार साहब के अगर कोई भी नए वीडियो आते हैं तो आपको जल्द ही इसी चैनल में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।